भारत हिट होते ही कटरीना ने दीपिका से छीनी बड़े बजट की फिल्म 37 साल पहले कमाई के तोड़ चुकी रिकॉर्ड। हिंदी सिनेमा की नंबर वन हीरोइन दीपिका पादुकोण के चाहने वालों के अरमानों पर फिल्म सत्य पे सत्ता का रीमेक बनाने जा रहे निर्माता रोहित शेट्टी की योजनाओं ने पानी फेर दिया है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की इस सुपरहिट फिल्म के फराह खान के निर्देशन में बनने जा रही रीमेक में अब ऋतिक रोशन का साथ दीपिका नहीं बल्कि कटरीना कैफ देने जा रही हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों की माने तो दीपिका की फीस इस मामले में सबसे बड़ी अड़चन बनी और निर्माता किसी भी सूरत में उन्हें ऋतिक से ज्यादा फीस देने को तैयार नहीं हुए। फिल्म बैंग बैंग में ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ पहले भी काम कर चुके हैं और दोनों की जोड़ी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह भी रहा है। फिल्म सत्य पे सत्ता की रीमेक में दोनों की जोड़ी तय होने से इस फिल्म के साथ साथ कटरीना कैफ को भी खासा फायदा होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस फिल्म में कटरीना की एंट्री रोहित शेट्टी और सलमान खान के बीच बने नए रिश्तों का ही परिणाम है। फिल्म सत्य पे सत्ता के रीमेक में ऋतिक रोशन के अमिताभ बच्चन वाला रोल करने की खबर फिल्म सुपर 30 की एंड रिलीज के वक्त पर आई। इससे ऋतिक की ब्रांड वैल्यू में भी एकदम से उछाल आया। इस ऐलान के साथ ही खबर ये भी थी कि फिल्म में फीमेल लीड दीपिका पादुकोण करने जा रही हैं। लेकिन इसके बाद बात फीस पर अटक गई। सूत्र बताते हैं कि दीपिका फिल्म छपा के लिए मिली अपनी फीस से अब नीचे उतरने को तैयार नहीं है और सत्य पे सत्ता का रीमेक प्रोड्यूस कर रहे रोहित शेट्टी फिल्म को एक तय बजट में ही बनाना चाह रहे हैं। दीपिका पादुकोण को फिल्म सत्य पे सत्ता के रीमेक में रिप्लेस करने के साथ ही कटरीना कैफ की फिल्मोग्राफी में एक और फिल्म ऐसी जुड़ गई है जिसके लिए साइन किसी और हीरोइन को किया गया और बाद में ये लीड रोल उन्हें मिला। सलमान खान की फिल्म भारत में भी पहले लीड हीरोइन प्रियंका चोपड़ा थी और प्रियंका के ये फिल्म छोड़ने के बाद ये फिल्म कैटरीना की झोली में आ गिरी थी।